विज्ञान मॉडल है विद्युत प्रवाह से संबंधित, जो कक्षा छठवीं में और सातवीं में भी इसका अध्याय है। तो इसके आधार अगर लोग ये बताना चाहते हैं कि जब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा। तो मैंने ये जो मॉडल बनाया है इसमें 5 क्वेश्चन इस साइड डाले हैं और इसके जो ऑप्शन है एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 ऑप्शन डाले हैं, एक राइट आंसर है एक रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन है पहला, खाद्य श्रृंखला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसमें 2 ऑप्शन है, छोटे जंतु और काई। तो आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला की सबसे छोटी इकाई होती है काई, तो तभी ये लाइट जलेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है जो रॉन्ग है उस पर लाइट नहीं जलेगा। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन है इसमें मनुष्य की श्रव्य सीमा, तो मनुष्य की श्रव्य सीमा इसमें 2 ऑप्शन डाली हुई, 10 से 10,000 हर्ट्ज और 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, तभी ये लाइट जल रहा है। और हम लोग यदि 10 से 10,000 हर्ट्ज पे कनेक्ट करते हैं तो लाइट नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो विद्युत परिपथ है जो मैंने कनेक्ट किया है वो सही आंसर पे कनेक्ट किया है पीछे से, रॉन्ग आंसर पे कनेक्शन नहीं है, इसलिए विद्युत परिपथ पूर्ण हो रहा है और तभी यह लाइट जल रहा है। ये बस ये सोचा है कि चार